स्वागत है आपका शेफ तिवारी के चैनल पर। देखिए आज हम बना रहे हैं एकदम बढ़िया सा घर पर पनीर चिली पनीर। तो आप इसको घर पर आराम से खुद भी बना सकते हैं ऐसे एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल में। इसको बनाना एकदम आसान है, एकदम बढ़िया है। तो मैं अगर इसको कैसे बना रहा हूँ ये देखना है तो आप पूरा वीडियो देखिए, एकदम यम्मी टेस्टी। तो आप घर पर ही बनाइए एकदम बढ़िया सा चिली पनीर। तो इसके लिए हमने सबसे पहले जो है पनीर लिया, इसको बर्फी कट किया है और एक बर्तन में तेल गरम किया। इसके ऊपर हम डाल देंगे 2 से 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर, ये आप अपने पनीर की क्वांटिटी के हिसाब से डालें। और थोड़ा सा हम डाल देंगे इसमें फूड कलर ऑरेंज, ये ज़्यादा यूज ना करें थोड़ा सा करें। और थोड़ा डाल देंगे इसके ऊपर सॉल्ट, और इसको थोड़ा सा इसमें डालेंगे अदरक लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट, और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, देखिए कलर एकदम यम्मी उसका फूड कलर का आ गया। अगर आपको कलर यूज़ नहीं करना तो आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं, और नहीं तो आप कलर यूज़ करेंगे तो थोड़ा लुक वाइज अच्छा रहता है, बट आप वैसे भी इसको बना सकते हैं। अब इसको हम कर देंगे फ्राई, ये होगा डीप फ्राई। तो इधर हमारा पनीर डीप फ्राई हो रहा है तो हम बाकी मसाले की भी तैयारी करेंगे साथ साथ में। तो देख लीजिए फ्राई होके इस तरह से हो रहा है। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, आई बेल अवश्य दबाएं। तो ये हो गया हमारा पनीर फ्राई। अब इधर हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें डालेंगे अदरक लहसुन थोड़ा दबा के काट के डालेंगे, हरी मिर्ची साथ में, ये थोड़ा स्पाइसी बनेगा। तो इसको हल्का सा भून लेते हैं, पहले सादा कर लेते हैं, डार्क ब्राउन नहीं होना चाहिए, हल्का ब्राउन होना चाहिए। और अब इसके ऊपर हम डाल देंगे ऑनियन, ऑनियन हमने बारीक काटा है, और इसमें ऑनियन के 4 पीस भी करते हैं बड़े बड़े, लेकिन हम वो नहीं कर रहे हैं। इसका हम थोड़ा सा ग्रेवी में लेंगे इसको, इसलिए हमने ऑनियन जो है थोड़ा बारीक काटा है। और ऑनियन को अच्छी तरह भून लेंगे हम, इसको भी एकदम वो नहीं करेंगे। और ये पनीर हमारा जो है चिपक है, इसको अलग अलग कर लेते हैं। और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा सॉल्ट, सॉल्ट आप अपने हिसाब से डालें। और डाल दें इसमें कैप्सिकम, और आप चाहे तो एक लाल और पीला कैप्सिकम भी डाल सकते हैं, नहीं तो हरा कैप्सिकम इनफ है। और जैसे कैप्सिकम ऐसे ही प्याज भी डाल सकते हैं बड़ा बड़ा, लेकिन हम प्याज एकदम बारीक किया, हमको थोड़ा हल्का ग्रेवी चाहिए। इसको हल्का सौदा कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं पकाएंगे। थोड़ा डाल दिया इसमें हल्दी 1/2 चम्मच, और लाल मिर्ची पाउडर 1 चम्मच। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं बढ़िया सा एकदम यम्मी करके, और इसको 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे हम हमारा शिमला मिर्च होने तक। और अब हम एक बर्तन लेंगे, उसमें करीबन 2 से 3 चम्मच का हम कॉर्नफ्लोर का पेस्ट करेंगे। कॉर्नफ्लोर को कभी भी और ठंडे पानी से घोलना चाहिए, गर्म पानी ना डालें। और इसमें डाल देंगे एक चुटकी भर फूड कलर, और इसको अच्छी तरह घोल दिया हमने, और डाल दिया हमने पनीर इसके ऊपर। तो ये हमारा पनीर से लग गया इसके ऊपर, और इसके ऊपर अब डालेंगे हम थोड़ा सा सोया सॉस एंड रेड चिली सॉस एंड ग्रीन चिली सॉस प्लस थोड़ा विनेगर भी। तो ये चाइनीज़ के 3-4 आइटम हम इसमें डाल देंगे, क्या हमें विनेगर भी डाल रहे हैं। और इसको अच्छी तरह से कर लेंगे हम मिक्स। तो ये हमारा है चिली पनीर रेडी हो रहा है। तो आप लोग लास्ट तक मेरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। फिर बहुत जल्दी एक नए वीडियो के साथ और हम मुलाकात करेंगे। अभी इसमें डाल देंगे हम कॉर्नफ्लोर का पानी जो हमने ऊपर घोल के रखा था, और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। तो हमारा चिली पनीर रेडी हो गया है। तो आप एकदम बढ़िया सा घर में ही चिली पनीर इस तरह से बना सकते हैं, ये देखिए एकदम बढ़िया सा हो गया है, ये है रेडी। सो लास्ट तक वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।